नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई ऐतिहासिक कहानी लेके आई हूँ जो डूबा हुआ किला। मैंने इसको कई पार्ट में बनाया है। इसका पहला पार्ट है लाल सिंह की मूंछ। लखनऊ से बरेली जाने वाली छोटी लाइन की ट्रेन रुहेलखंड एक्सप्रेस पूरी गति से भागी जा रही थी। एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में संकल्प के साथ बैठे उसके दोस्त अंकित, विपुल और राहुल बहुत खुश थे। ये सब लखनऊ के सेंट मेरी स्कूल के छात्र थे। अंकित और राहुल के पिता बड़े सरकारी अधिकारी थे, जबकि विपुल के पिता एक उद्योगपति थे। गर्मियों की छुट्टी में इन तीनों ने अपने दोस्त संकल्प के गाँव धरोहर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। संकल्प का गाँव लखीमपुर खीरी के तेराई क्षेत्र में नेपाल के पास बसा हुआ था। वह हमेशा अपने गांव की खूबसूरती की बातें किया करता था। कलकल बहती नदी में गांव के दोस्तों के साथ नौकायन का मजा और कोयल की कुकू से गूंज रहे आम के बागों में मस्ती के किस्से सुन सुनकर वे सब कई वर्षों से धरोहर जाना चाहते थे, लेकिन उनके घर वालों अनुमति नहीं देते थे। कुछ दिनों पहले अंकित के पापा एक सरकारी कार्य से उस इलाके में गए थे। वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर वह काफी प्रभावित हुए। धरोहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी के किनारे बना गिरजापुरी का मगरमच्छ अभ्यारण्य और वहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूधवा राष्ट्रीय उद्यान तो पर्यटकों का स्वर्ग था। वहां वर्ष भर देश विदेश के सैलानियों की भीड़ रहती है। अंकित के पापा को वह इलाका इतना पसंद आया कि उन्होंने विपुल और राहुल के पापा से बात कर सभी को वहां घूमने की अनुमति दिलवा दी। संकल्प के पापा उस इलाके के बड़े जमींदार थे। उन्होंने सभी बच्चों को घुमाने फिराने की जिम्मेदारी ले ली। लखनऊ से जिला मुख्यालय लखीमपुर तक ट्रेन जाती थी। उसके आगे का 60 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से था। संकल्प के पापा ने कहा था कि लखीमपुर स्टेशन पर बच्चों के लेने वह स्वयं आ जाएंगे। संकल्प के दोस्त ने अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही गांव को देखा था, इसलिए असली गांव को देखने के लिए वह बहुत रोमांचित थे। उनका बस चलता तो उड़कर गांव पहुंच जाते, लेकिन ट्रेन तो अपनी ही गति से चलती रहती है। चलो भाई, अपना अपना सामान ठीक कर लो, थोड़ी सी देर में लखीमपुर आने वाला है। संकल्प ने खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक अपने दोस्त को कहा। इसी के साथ एक तेज दुर्गंध नथनों में भर गई। राहुल ने रुमाल से अपनी नाक बंद करते हुए कहा, भाई वाह, मान गए संकल्प के लखीमपुर को। सीमा रेखा पर ही जब इतनी अच्छी सुगंध से स्वागत हुआ तो आगे जाने क्या क्या हाल होगा। संकल्प ने यह बात इतने नाटक के अंदाज में कही थी कि विपुल और अंकित भी अपने नाक पकड़े पकड़े हंस पड़े। उन तीनों का हंसता देख संकल्प ने समझाते हुए कहा, जैसे कन्नौज की गलियां हमेशा इत्र की खुशबू से तर रहती है, वैसे ही लखीमपुर के इलाके में इस सुगंध से तर रहते हैं। यह सुगंध भी यहाँ की प्राणवायु है। क्या मतलब, अंकित ने टोका। वह देखो बाहर, संकल्प ने उत्तर देने के बजाय खिड़की के बाहर इशारा किया। बाहर का दृश्य देख तीनों दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। गन्ने की लदी सैकड़ों बैलगाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी थी। अरे इतना गन्ना कौन चूसता है, विपुल ने पलके झपकाते हुए पूछा। ये गन्ना चूसने के लिए नहीं है, इसे किसान चीनी मिल को बेचने के लिए लाए हैं। इस इलाके की प्रमुख फसल गन्ना है। यहाँ पर चीनी की 5 बड़ी फैक्ट्रियों के अलावा कई छोटे छोटे मिले भी हैं। 8 साल पहले हमारे पापा ने भी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बॉयलर लगाया है, जिसमें बड़े दाने वाली शक्कर बनती है। तब तो मैं पेट भर कर शक्कर खाऊंगा, राहुल ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। ऐसा मत करना, वरना तुम मीठे हो जाओगे और फिर चींटियां तुम्हें खा जाएंगी, विपुल ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी गंभीरता से सलाह दी। यह सुनकर सभी लोग एक बार फिर हंसने लगे। लखीमपुर स्टेशन आ गया। संकल्प ने डिब्बे से नीचे उतरकर इधर उधर निगाहें दौड़ाई, लेकिन पापा नहीं दिखाई पड़े। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अरे यार, परेशान क्यों होते हो, अगर अंकल नहीं आए तो क्या हुआ, हम लोग एक टैक्सी करके खुद चले जाएंगे, राहुल ने संकल्प की परेशानी को भांप ली थी। यार, हम बच्चों को अकेले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में शारदा नदी का विशाल बीहड़ इलाका पड़ता है जो कि काफी खतरनाक है। संकल्प कुछ चिंतित हो गया था। वहाँ कैसा खतरा है, अंकित ने जानना चाहा। उस इलाके में डाकुओं का एक ग्रोह है जो राहगीरों का अपहरण कर फिरौती वसूलता है, संकल्प ने बताया।
यह सुनकर राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया और वह घबराए स्वर में बोला, यार तू हमेशा अपने गांव की मस्तियों के बारे में बताया करता था, खतरों के बारे में तो कभी बताया ही नहीं। अगर बता देता तो हम यहाँ कभी आते ही नहीं। तूने हमें लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया। धोखे की बात सुनकर संकल्प के चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभर आई, जिन्हें विपुल ने पढ़ लिया था। उसने राहुल को डांटते हुए कहा, हमें नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से जानबूझकर खतरनाक इलाकों में जाना कोई अकलमंदी भी नहीं होगी। राहुल का स्वर तेज हो गया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अंकित ने राहुल को डांटते हुए कहा, जिंदगी में खतरा कहाँ नहीं है? हवाई जहाज से घूमने जाओगे, अगर वहां गिर गए मर जाने का खतरा। झील में घूमने जाओगे तो नाव डूब जाएगी, उसका खतरा। अपने लखनऊ में सड़क पर निकलो तो पीछे बस के ठोकर मार देने का खतरा। तो क्या इन सब खतरों के डर से आदमी घर से बाहर नहीं निकलता? राहुल कुछ कहने जा ही रहा था, तभी संकल्प प्लेटफॉर्म पर आ रहे एक व्यक्ति को देखकर चिल्लाया, दिवाकर अंकल हम लोग यहाँ हैं। वह व्यक्ति भी कुछ घबराया हुआ दिख रहा था, लेकिन संकल्प पर दृष्टि पड़ते ही उसका चेहरा खिल उठा। वह तेजी से बच्चों की ओर लपका। संकल्प ने झुककर उसके पैर छुए, फिर अपने दोस्त से परिचय कराया, यह दिवाकर अंकल है, पापा के दोस्त। अंकित, राहुल और विपुल ने भी दिवाकर अंकल के पैर छू लिए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद देने के बाद बताया, अचानक कुछ जरूरी काम पड़ जाने पर संकल्प के पापा आ नहीं सके। उन्होंने मुझको खबर भेजी, मैं बहुत तेजी से आया लेकिन फिर भी देर हो गई। तुम लोग काफी परेशान हो रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है अंकल, बस मौके का फायदा उठाकर हम लोग इस घोचू की क्लास ले रहे थे, राहुल ने संकल्प की पीठ पर धूल जमाते हुए कहा। यह सुनकर दिवाकर अंकल मुस्कुरा उठे। उनके साथ गाड़ी का ड्राइवर और कंधे पर बंदूक टांगे बड़ी बड़ी मूंछें वाला एक आदमी और था, जिसका नाम था लाल सिंह। तुम बच्चों का सामान गाड़ी में रखवाओ, मैं तब तक पीसीओ से धरोहर फोन कर दूं। सामान रखवाने के बाद चारों दोस्त बीच वाली सीट पर बैठ गए। दिवाकर अंकल ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे और अपनी बंदूक को संभालते हुए लाल सिंह पिछली सीट पर बैठ गए। करीब 20 किलोमीटर तक तो गाड़ी फराटे से चली, लेकिन उसके आगे रास्ता बहुत खराब था। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे, उनमें जब पहिया पड़ता तो जोर का झटका लगता, लेकिन बच्चों को इनमें भी बहुत मजा आ रहा था। मोटर गाड़ी में ही उन्हें झूले का आनंद मिल रहा था। बीच बीच में गाड़ी रुकवाकर उन्होंने कई जगह भैंस पर बैठकर जा रहे बच्चों और खेत में हल चला रहे किसानों की फोटो खींची। इस वीडियो का पार्ट टू खतरनाक बीहड़ देखने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।